नूर जी अब्बू, पानी पिला बेटा मुझे जल्दी से। या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। अब्बू आप ठीक तो हैं? आपको बहुत पसीना आ रहा है, आप चल तो लेटे, आप लेट जाए प्लीज। उठे अबू, लेट जाए अबू, क्या हुआ आपको? उठे अबू, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, तुम इन लोगों के साथ मत उलझा करो। मामा साहब, मैं उन लोगों को जानता तक नहीं था, मैंने तो सिर्फ इंसानियत की खातिर बस उनकी हिफाजत की है बस। बेटा, तुमने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है आपकी दिलेरी देखकर, और बहुत से लोग भी आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि गरीबों से उनका खौफ और रोब ख़त्म हो। लामा साहब, अगर हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आखिर कब तक लामा साहब? हाँ अली बोल। क्या हाजी असलम साहब? ओह वाहिगुरु, क्या हुआ? लामा साहब, हाजी असलम साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में, हमें जाना होगा। चलिए चलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अलामा साहब। डॉक्टर साहब, हाजी साहब की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है, उनको ओवर स्ट्रेस की वजह से बेहोशी हो गई थी, अब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। लामा साहब आए तो शरीफ रखें। ये बेटी? जी मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बेटा घबराना नहीं है, ठीक है, सब अल्लाह साहब ठीक कर देगा। अबू के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, और अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो? ना उम्मीदी की बातें नहीं करते बेटा, नहीं, हम सब आपके साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हाजी साहब के पास किसी के रुकने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं अलामा साहब, फिलहाल नहीं, बेटी है ना उनके साथ। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। डॉक्टर साहब अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर अलामा साहब। शुक्रिया बेटे, घबराना नहीं, ला तकना तुम मिन रहमत अल्लाह, अल्लाह सब ठीक कर देगा, और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। ये थी रहो।
अभी सब कुछ नॉर्मल है, मैं एक दिन आपको यहाँ और रखूँगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत काम है। आप मुझे जाने दें, मैं दवाएं वक्त पर लेता रहूँगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ फजूल की बातों की टेंशन लेना छोड़ दें। क्यों ना लूँ टेंशन, आपको पता नहीं है मेरे क्या हालात हैं। आप इन्हें समझाएं प्लीज। अप्पू डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं, उनको तो अपने पैसों से गरज है। ठीक कह रहे हैं, वो पैसे कहाँ हैं? वैसे अप्पू ये हर महीने आपको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ जाती है? क्यों क्यों बताऊं तुझे? और मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हर बात बताने की, अपने काम से काम रखा करो। जी ठीक है अप्पू। अच्छा चलें मैं फिर घर चलती हूँ आपके लिए खाना बनाने, और आपको कुछ और चाहिए हो तो वो भी मैं लेती आऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम घर पे रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बंदा भेज के मंगवा लूंगा। जाओ शाबाश। ठीक है अबू, जैसी आपकी मर्जी। पिछली सारी फाइल देख ली है मैंने, आप कल से इनको स्कूल भेज दें। हाँ थैंक यू। बाय द वे आप लोगों ने स्कूल काफी अच्छा मैनेज किया। जी ये सब अहमद चौधरी साहब की वजह से है। अहमद चौधरी जी ये सब उनकी डोनेशन और केयर की वजह से है। हैरत है कि इन जैसे लोग भी ऐसे नेक काम कर रहे हैं। दुनिया जो भी कहे लेकिन अहमद चौधरी साहब हमारे लिए तो एक फरिश्ता ही है। हाँ हाँ ठीक है, स्कूल हमने देख लिया, मेरी बहन तारा को भी पसंद आ गया स्कूल, तो कल से ज्वाइन कर लेंगी तारा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें तारा, ओके अल्लाह हाफिज़। तारा मैं क्या कह रहा था कि स्कूल अच्छा है, लेकिन क्यों ना हम इसके अलावा कोई और स्कूल भी देख लें। नहीं अमर भाई, स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा है लेकिन। लेकिन क्या? तारा देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे स्कूल में पढ़े जिसकी मैनेजमेंट और उसके पैसे बुरे लोग दे रहे हैं। अमर भाई स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसलिए आप बाकी बातें बनाना छोड़े और चले। तारा अच्छी तो है, क्या आप नहीं देख सकते कोई स्कूल? अच्छा मेरी माँ बड़ी समझदार हो गई हैं। आपकी बहन जो हूँ। चलो चले हम, बैठो। That's a big shot, big six. Fakhr Zaman has played a lovely shot down the ground. Just as India was starting to turn the screws, play the game at their speed, their spinners going through their overs in lightning quick time. Fakhr Zaman says, that's not going to happen today, we're still in charge, we're still dictating, comes down the wicket. जी भाईजान, ओ
अब आ जा। अरे आपने तो रक्षा रोके, हमारी जीत को चार चांद लगा दी भाई साहब। क्या मतलब है? कुछ नहीं, कुछ वो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया ना। हाँ हाँ, मैच में तो उसी की खुशी में मिठाई फाट रहा हूँ। ये ले, मुंह मीठा करें। हाँ। भाई आप चले ना, मुझे देर हो रही है घर से। अभी प्लीज मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप अगर आप भी कुछ खा लेंगी तो मेरी खुशी दोबारा हो जाएगी। कोई बात नहीं बाजी, आप भी खा लें, मुंह मीठा कर लें, खुशी की बात है। प्लीज थैंक यू भाई, चले आप। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ है आपका घटिया बेटा? कौन हो तुम और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं वो मजलूमों मजबूर हूँ जिसको आपके अय्याश बेटे ने तबाहो बर्बाद कर दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मेरा बाप मेरी बर्बादी का दुख लेके इस दुनिया से चला गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बुलाएं उसको। चलो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सॉरी सर, मैं देखता हूँ उसे, क्या मसला है? लगता है मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साजिश हो रही है। हमारे मुखालफिन नहीं चाहते कि हम इस बार भी इलेक्शन जीतें, इसीलिए ये ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है, वरना वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं पता करता हूँ क्या मसला है। अरे वाह रोशू, ये तो तूने बड़ी खुशखबरी की बात बताई है। सरकार, नूर नाम है उसका, नूर। और इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो हाजी असलम की बेटी है। वाह रोशू, ये तो तूने कमाल कर दिया। दिल कर रहा है तुझे नामों से नवाज दूं। बोल तुझे क्या चाहिए। सरकार एक बात पूछूं? बोल। मैंने आज तक किसी लड़की के बारे में आपको इतना खुश नहीं देखा। हाँ यार, ये लड़की मुझे भा गई। दिल करता है इसे अपने पास रखो। सरकार, मुझे तो लगता है आपको उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन बंदे का क्या भरोसा, जब मर्जी बदल जाए। सरकार आपका भी पता नहीं चलता। मर्द जात ही गिरगिट की तरह होती है रोशनी, कभी अपना रंग कोई कर ले और कभी कोई।